हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गेट रेडी विद मी, और ये बहुत ही क्विक लुक है। मतलब इसमें मैंने इतना ज़्यादा फुल फेस मेकअप नहीं किया है। तो सबसे पहले अपने फेस को मैंने हाइड्रेट कर लिया है टोनर से, और उसके बाद मैं सिंपल का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये एक बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। इसे मैंने शायद पहले भी शेयर किया है अपनी काफ़ी वीडियोज़ में। सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए है, भले सेंसिटिव हो या फिर कॉम्बिनेशनल हो, ऑयली हो, एक्ने प्रोन हो, ड्राई हो, सारे स्किन टाइप वाले इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है ये। रोज़ हिप गुड वाइब्स का सीरम ले रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा सीरम है। मतलब इंस्टेंट ग्लो जो नहीं होता है ना, वो ये सीरम लगाने के बाद आता है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनकी ड्राई स्किन होती है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मतलब मैंने एक दो मिनट का पॉज ले लिया था, उसके बाद मैं लैक्मे का ये रोज़ पाउडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्किन को कह सकते हो टोन्ड अप कर देता है और बहुत ही फ्रेश लुक देता है। अब क्योंकि मैंने कोई बीबी क्रीम, कोई कंसीलर, फाउंडेशन कुछ भी नहीं यूज़ किया है, तो फिर मैं इसे अपने अंडर आइज़ में बहुत अच्छे से लगाऊंगी ताकि मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा अच्छे से ना दिखे, और पिगमेंटेशन भी थोड़ी थोड़ी कवर कर देते हैं। मतलब एकदम नेचुरल सा मेकअप है ये, जिसमें कोई देख के कह नहीं सकता। मतलब मेकअप तो है ही नहीं यार ये, क्या बोलूँ मैं इसे। एक अ काइंड ऑफ क्विक लुक है कि आपको कहीं जाना है और आपको बड़ा अच्छा सा भी दिखना है, सो वो वाला लुक आप कह सकते हो। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आईब्रोज अपनी फिल कर रही हूँ। ये ब्लू एवन का आईब्रो डिफाइनर है, बहुत ही नेचुरल कलर देता है। मैंने ये ब्राउन कलर में ख़रीदा है, और मतलब आईब्रोज़ मेरी ठीक ठाक बनी हुई थी और इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब भी नहीं है, तो इसको फिल करने में, सेट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्पूली से मैं इसको ठीक से कॉम कर लूँगी, अच्छा सा इन्हें शेप दे दूँगी। और सो स्विस ब्यूटी की जो ये आई शेडो पैलेट है ना, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 200 में आपको मिल जाती है। सेल चल रही होती है तो और सस्ती पड़ जाती है, बट इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप डेली मेकअप करते हो, बिगनर हो, तो फिर ये आई शेडोज पैलेट जो है वो ज़रूर परचेज करो। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, कॉन्टूर भी हो जाएगा इसमें आपका, आप आईब्रो भी फिल ईजिली कर सकते हो। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइट की नॉन ट्रांसफर प्रूफ वाली लिपस्टिक यूज़ करी है, और इन द शेड डिवाइन वाइन है। सो गाइज, यहाँ पे फेस मेकअप जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक चोकर पहन रही हूँ, और सिल्वर ज्वेलरी आपके पूरे आउटफिट को ना एकदम चेंज कर देती है, बहुत अच्छा लुक देती है। अगर आपने कोई सिंपल सी कुर्ती पहनी है और उस पर आपने सिल्वर ज्वेलरी डाल ली, तो मतलब फिर यार बहुत ही मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब कहते हैं ना, चेरी ऑन दी केक वाली जो है बात हो जाती है। चोकर नहीं पहनना है तो फिर मैंने बिना चोकर के भी लुक दिखाया है यहाँ पे। सिर्फ मैंने इयररिंग्स भी पहने हैं, इयररिंग्स के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। ये मतलब अ काइंड ऑफ रैंडम वीडियो था, मैं जस्ट रेडी हो रही थी एक शूट के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं यूट्यूब के लिए, कि कभी अगर आपको एकदम से इंस्टेंटली रेडी होना हो, आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, मेकअप करने का भी टाइम ना हो, तो फिर उस टाइम समझ नहीं आता कि क्या करें। मतलब पहले मस्कारा लगाएं या फिर बीबी क्रीम लगाएं या नहीं लगाएं। ऐसी भी जगह हम जा रहे होते हैं जहाँ पे हमारा मन करता है कि नहीं यार, मेकअप होना भी चाहिए और मेकअप नहीं भी होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप ज़रूर मेरी वाली वीडियो फॉलो कर सकते हो, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।